रहेंगे, आप सजग रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, और सभी जो नियमों का पालन करेंगे तो आप जो है कि इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। पहले भी आपके बीच में हम आए थे, आते रहेंगे, आपके ज़रूरतमंद सामानों का हर एक तरह से आपको मुहैया कराया जाएगा। यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर भी दिया गया है, फ़ोन से आप संपर्क करके जो सामान है उसको मंगा सकते हैं। आपका अपना ज़रूरत के खाने का सामान हो गया, आपके मवेशी के लिए चारा हो गया, और भी किसी तरह का डेली टू डे दिनचर्या का जो भी सामान आपको लगता है वो आप यहाँ मांग के ले सकते हैं। लेकिन आपको हिदायत दी जाती है कि बाहर आप कतई नहीं निकलेंगे घर से, आपस में जो है इंटरेक्शन नहीं करेंगे, मेल जोल नहीं करेंगे, और कहीं गांव में बाजार हाट में नहीं जाएंगे। और बाकी जो है कि आपके बीच में हर एक तरह से जो बताया गया है कि सामान दिया जाएगा आपके साथ में। और एक हम अनाउंसमेंट करना चाहेंगे कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस बीमारी से हम जो यहाँ पर रास्ता अपना रहे हैं वो सरकार से दिया हुआ आदेश के अनुसार हम कर रहे हैं, जो आपके लिए मुनासिब है। हम फिर से आपसे आह्वान करना चाहेंगे कि आपका सहयोग, आपका साथ। दुमका के सरैयाहाट प्रखंड से कोरोना ग्रस्त रोगी का मामला प्रकाश में आने के बाद उस गांव को सील कर दिया गया है, और उसके आसपास के इलाके के लोगों को भी पूरी एहतियात बरतने का हिदायत दिया गया है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण अक्सर लोग उन हिदायतों पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में दुमका जिला पुलिस प्रशासन SP समेत खुद वहाँ जाकर फ्लैग मार्च कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि उनका इस समय आइसोलेशन के रूप में घरों में रहना निहायत ही ज़रूरी है, वरना कोरोना का संक्रमण जब यहाँ पर पॉजिटिव केस पाया गया तो इससे यहाँ तेज़ी से फैलने की संभावना बन सकती है। इसलिए पूरी तरह से प्रिकॉशन लें, घरों के अंदर रहें। पंजाब केसरी के लिए दुमका से